समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद फिरोजाबाद के विधानसभा सिकोहाबाद में समाजवादी आह्वान पत्रिका वितरण एवं साइकिल रैली का आयोजन ग्राम गुदाव में किया गया। इसमें प्रमुख रूप से मौजूद रहे MLC डॉक्टर दिलीप यादव व रैली का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर पूर्व विधायक रमेश चंद्र चंचल व पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा द्वारा किया गया। यह साइकिल रैली रूपसपुर चौराहे से आरंभ होकर गुदाव की ठार से होते हुए नगला सदासुख, नगला भजन, ग्राम कुर्रीकूपा, नगला गिरधारी, नगला आशा गांव में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जगमोहन यादव, जिला महासचिव विनय यादव, अशोक यादव, सत्येंद्र यादव, योगेंद्र सोनू आदि समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी MLC डॉक्टर दिलीप यादव द्वारा इस दौरान क्या कुछ कहना हुआ। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आपके माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के निर्देश पर माननीय सांसद श्री अक्षय यादव जी की सलाह पर हम सब लोग यहाँ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के जो आह्वान पत्र भैया है इसको जगह जगह हम लोगों में बांट रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं आगामी 2022 में चुनाव आने वाला है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों से किसान, गरीब सभी लोग पूरी तरह से दुखी हैं और आज के समय बिजली भी प्रॉपर किसान को नहीं मिल पा रही। कोरोना के समय ऐसी स्थिति है, गरीब लोग गुजारा नहीं कर पा रहे और गरीब लोगों के नाम पर सरकार पैसा दे रही है लेकिन सही पात्र लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे पात्र लोगों को पहुंचाने के लिए, सही लाभ देने के लिए वर्तमान में लाखों मजदूर अन्य प्रदेशों से इस प्रदेश में आए जो वहां काम करते थे, उन्हें भी कोई प्रॉपर सुविधा नहीं दी जा रही है। आते समय भी लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं की गई, रोकने की व्यवस्था नहीं की गई, उन सबको पूरी तरह से पीड़ा है। आज हजार रुपए किसानों के या प्रवासी लोगों के खाते में कुछ लोगों के भेज जा रहे हैं, उससे कोई काम नहीं चल सकता। सरकार को ज़रूरत है इन गरीबों पर, असहायों पर विशेष ध्यान दे जिससे ऐसे कोरोना की घड़ी में, ऐसी संक्रमण की घड़ी में उन लोगों को लाभ मिल सके। पूंजीपति लोगों को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर हम लोगों को जा जाकर ये बता रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आप निकलिए और अपने हक के बारे में सोचिए और हक के बारे में सोच के आपको हक नहीं मिला है तो अपनी मांग करिए और मांग भी पूरी न हो उसके लिए आंदोलन करिए। ये हमारी सोच है, उसी सोच के साथ हम निकल। आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश भर में दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटित सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल हम जिलाधिकारी महोदय से इसी बाबत मिले थे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी घटना दलित के साथ हुई थी। दलितों को इस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के हिस्सा नहीं है, जबकि पूरी तरह से हिस्सा है। जो एक उद्योगपति को अधिकार होता है और उनको जो मिलना चाहिए हक, उसी तरह से मजदूर को और इन दलित को मिलना चाहिए, लेकिन दलित के साथ अन्याय हो रहा है, दमायत की जाती है। हम सरकार से मांग करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मांग की है, दलितों के साथ किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे, उनके अन्याय के साथ हम लोग खड़े। आप जैसा देख रहे हैं अभी कोरोना महामारी चल रही है और लगातार सरकार द्वारा या नगर निगम प्रशासन को बजट वगैरह दिया है, क्या उस तरीके की यहाँ व्यवस्था कराई जा रही कोरोना से बचने के लिए? है कि सरकार जिले में बजट नहीं भेज रही जो भेजना चाहिए। इस कोरोना की घड़ी में जो क्वारंटाइन लोग हैं विभिन्न अस्पतालों में, उनको भी खाने का पीने का सामान जो सरकार उपलब्ध कराना चाहिए प्रॉपर नहीं हो पा रहा। जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो खाना बनाते हैं, पानी भेजता है, सुविधा देते हैं, वो भी लोग कह रहे हैं कि पैसा पर्याप्त नहीं मिल पा रहा और समय से भी पेमेंट नहीं होता। कल हमने देखा कलेक्ट्रेट में जाने के बाद कलेक्ट्रेट के प्रत्येक पटल पर भी कहीं कोई सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। लोग अपने काम से जाते हैं, वो काम के लोग बड़े रिस्क से वहाँ जाते हैं और मिलते हैं लोगों से, काम कराते हैं, लेकिन आने के बाद असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि कहीं कोई क्वारंटाइन सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं जिससे आदमी अपने को सेफ कर सके इस क्वारंटाइन की घड़ी में, इस लॉकडाउन की घड़ी में, संक्रमण की घड़ी में। सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए वरना और ज़्यादा महामारी फैलेगी और वैसे भी अपने देश में, प्रदेश में बहुत ज़्यादा हालत खराब है। आप देख रहे हैं कहा जाता समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, तो उसमें आज युवाओं को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग युवाओं से यही निवेदन कर रहे हैं, इस आह्वान को पढ़ें और माननीय अखिलेश जी ने सारी चीज़ इसमें लिखी है और जो लिखी है उसके हिसाब से हम लोग काम करें और निश्चित ही 2022 में किसानों की चहेती, छात्रों की चहेती, मजदूरों की चहेती सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी और उस समय पूरी तरह से अखिलेश भैया सब लोगों का भला करने का काम करेंगे।